गाइस, दिस इज रुतुजा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो फॉर टुडेस वीडियो वी आर गोना बी पेंटिंग स्टारी नाइट्स एंड आई एम आल्सो गोना टेल यू अबाउट इट्स आर्टिस्ट एंड द बैक स्टोरी बिहाइंड इट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट देन कीप ऑन वॉचिंग. बट इफ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई एम श्योर यू लव इट हियर एंड विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. आई हैव माई जर्नल विथ मी जहाँ पर मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा है सो दैट मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ. द स्टारी नाइट पेंटिंग इज पेंटेड बाय विंसेंट वैन गॉ. सो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है इट्स बिट ट्रिकी. इन डच वी डोंट प्रोनाउंस जी को एज ग का साउंड बट वी यूज इट एज ह. So his pronunciation is Haw. So Vincent van Haw. So that is his correct pronunciation. So he was a Dutch post-impressionist painter whose work had a far-reaching influence in 20th century. So the post-impressionist was a French art movement. Suppose ye mere paas ek candle hai in the shape of an elephant. Suppose I am an artist in this movement and I have to create an art. मुझे reference object दिया है ये elephant. जो भी impression ये elephant मुझ पे create कर रहा है वो मैं मेरे perspective से इस elephant candle को बनाऊंगी. मैं इसके details में नहीं जाऊंगी. So that is an impressionist. So who conveys the sensory impression of the scene rather than detailed realistic depiction. तो मैं इसका रियलिस्टिक डिपिक्शन नहीं बनाऊंगी बट आई वुड क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ इट. आर यू गेटिंग इट? सो हिज वे ऑफ पेंटिंग वॉज वेरी डिफरेंट. अगर आप उनका कोई भी पेंटिंग जाकर के देख लोगे ही हैज वेरी बोल्ड एंड ड्रामेटिक ब्रश स्ट्रोक्स एंड दैट इज वेरी मच विजिबल पेंटिंग्स. जैसे कि हिज सनफ्लावर पेंटिंग, हिज द बेडरूम पेंटिंग, वन मोर इज हिज वीट फार्म विथ क्रोज. वो सब पेंटिंग्स में अगर आप जाकर देखोगे तो ब्रश स्ट्रोक्स आर वेरी मच विजिबल और बहुत बोल्ड है. उनका चाइल्डहुड स्टार्टिंग से थोड़ा रफ रहा है एज इन फ्रॉम स्टार्टिंग ही इज बीन फेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और उनको उनके लाइफ टाइम में सक्सेस मिली ही नहीं. ही डाइड एट द एज ऑफ 37 और उनको सक्सेस उनके डेथ के बाद मिली. हिज आर्ट पीसेस गॉट द रिकॉग्निशन आफ्टर हिज डेथ. So that is very sad. So during his lifetime, he produced over 2100 artworks, including about 860 oil paintings. तो मैंने कभी try नहीं किया but I know that oil paints are very difficult to work with. When he was alive, he had faced financial issues and he used to rely on his brother Theo. Because of this, he started trading his art. He died at the age of 37 from a gunshot wound. और ऐसे बहुत से articles में लिखा है कि that he shot himself. We still don't know, but पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो दैट इज द होल हिस्ट्री एंड आई फील दैट बिफोर पेंटिंग एनी दिस फेमस पेंटिंग्स यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट इट. नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से पेंटर की पेंटिंग बना रहे हो एंड हु इज द पेंटर. उनका बैक स्टोरी क्या है, उन्होंने कौन से माइंडसेट से ये पेंटिंग बनाई थी, सो दैट यू हैव दैट कनेक्शन एंड यू आर नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेंटिंग. Shall we?
आज, फेयर की शाम हो चुकी है अभी, एंड दिस इज हाउ इट हैज टर्न्ड आउट. मतलब आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रेप्लिकेट इट एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. Helpful. If you did so, then hit that like button and I will see you in the next one. Until then, bye.